दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है, न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा, जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्त, एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है, और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से ये चाहता हूं, और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया, मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया, मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया, मैंने पूरा किया लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया, मैंने पूरा किया लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर ये अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं, तय भले मोदी ने किया लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सब की सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटलिक एजेंट के रूप में इसको काम किया है।